हूँ वो कागान में हूँ और ये आप देख सकते हैं कागान वैली मेरे पीछे। Hey guys, this is me, Sayyid Hasnain Manzoor. Right now, I am in Lahore at the M2 motorway. We are going to Naran right now, and our approx journey time is about 12 hours from Lahore. I came here from Karachi after a 16-hour road drive. I am along with two of my cousins here. Here is Rahim, you can see, and this is Hasnaz, who is currently driving the car. And आपका नाम क्या जी? मोहम्मद इमरान। दिस इज मोहम्मद इमरान हु इज वन ऑफ आवर ड्राइवर्स। सो दिस व्लॉग विल बी ऑल अबाउट जर्नी फ्रॉम लाहौर टू नरान। सो आई विल सी यू गाइस इन नरान। दिस इज किचन ग्रिल फ्रॉम वेयर आई हैड फूड। आई हैड पेडीज फ्रॉम हेयर एंड द क्वालिटी ऑफ फूड वॉज रियली रियली गुड। सो एनी वन हु इज कमिंग to M2 motorway and stopping here for food, I would recommend them Kitchen Grill as the food quality is really good. कागान में हूँ और ये आप देख सकते हैं कागान, बहुत ही हसीन नज़ारा है और फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी है। आप देखें ये पानी मेरे पीछे जो है वो फ्लो कर रहा है, पानी का प्रेशर इस वक्त बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ तीन बच्चे पीछे आप देख सकते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे कब से हैं और ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं। अच्छा जी, अब एक बताइएगा। मैं एक साल से यहाँ हूँ। अच्छा, मेरे गांव का नाम नूरी है। नूरी आपके गांव का नाम है जी। अच्छा, मैं एक साल से यहाँ का नाम हूँ। ठीक है, और आप जो इसको बोले वही है। अच्छा, आप भी नूरिया से ही हैं। आप टोपी पहन आपकी साथ ही इनके काम करते हो? क्या काम करते हो? अच्छा, तो आपका गांव कितना दूर है यहाँ से? एक घंटे का रास्ता है तकरीबन। अच्छा अच्छा, सही है सही। कितने यहाँ लोग आते हैं या शहर तफरी के लिए? यहाँ पे गैर मुल्की भी आते हैं, गोरे चाइनीज तो वैसे बाहर मुल्क आते हैं, गैर मुल्की लोग चाइनीज वगैरह। अच्छा, तो अब आबादी बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं काफी यहाँ पे। सही। अरबी भी आते हैं? अरबी आते हैं? अरबी नहीं आते। अरबी हफ्ती आते। हम लोग जो है वो फाइनली जो है नारान पहुंच चुके हैं। 8:30 बजे हम तकरीबन पहुंचे थे और इस वक्त हम लोग नारान के बाज़ार में जो है वो घूम रहे हैं और खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो आए आपको मनाज़र दिखाते हैं नारान के बाज़ार के। और मौसम इस वक्त बहुत ही खूबसूरत है और गर्म है। गर्म है वहाँ, सर्दी बहुत ज़ोरदार पड़ रही है इस वक्त। और देखें इस वक्त बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं। इस वक्त हम लोग जो है वो मून रेस्टोरेंट आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग जो है वो डिनर करेंगे। हम नारान तकरीबन 8:30 बजे पहुँचे हैं और अभी टाइम 10 बज रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा डिनर है और ये हॉल फुल भरा हुआ है। इस वक्त काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, आपको मैं मनाजिर दिखाता हूँ। ये हमारे इमरान भाई हैं। इमरान भाई हाथ हिला दें कैमरे में। ये है राहिम, ये असनाद हमारे साथ जो ट्रैवल पे थे। और ये आप देख सकते हैं लोग बैठे हुए, फुल रश पड़ रहा है। मून रेस्टोरेंट के बारे में हमने काफ़ी साइन बोर्ड देखे थे रास्ते में। एक चिकन कढ़ाई, एक
spatula with rice and chicken roti. ठीक है ठीक है, जल्द से जल्द, भूख लगी हुई है। तो कढ़ाई आ चुकी है और अब हम चेक करते हैं कि कैसी है कढ़ाई। ये है चिकन कढ़ाई, आप देख सकते हैं। अब इसको हम ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। कढ़ाई कढ़ाई तो माशाल्लाह जबरदस्त है, जायका बहुत शानदार है। मून रेस्टोरेंट से हमने जो है वो खाना खा लिया और अब हम जो है वो निकल चुके हैं, वापस अपनी होटल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन होटल पहुंचने से पहले अभी हम जो है वो नारान की गलियों में जो है वो घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं। जो है वो आया हुआ हूँ, बहुत मुझे सर्दी लग रही है तो मैंने कहा कॉफ़ी पी ली जाए क्योंकि यहाँ पे जो है वो सर्दी बहुत है। 4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त जो है वो यहाँ का टेम्परेचर है, तो इस सर्दी के मौसम में जो है अभी कॉफ़ी हो रही है। जो कराची से भाई आए हैं तो ये इनको यहाँ सर्दी बहुत लग रही है। कराची में हम लोग जो है वो 35-40 डिग्री के आदि हैं, तो यहाँ हमें 4 डिग्री में तो बहुत सर्दी लग रही है।